नमस्कार मैं एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। लिंग भैरवी देवी के लिए मैं अपने चैनल में लगभग मैं 30 वीडियोस बना चुका हूँ और उसमें मैंने हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करी है। बट फिर भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं देवी से रिलेटेड, तो मैं इस वीडियो में हर एक चीज़ कवर करने वाला हूँ। जैसे कि देवी साधना किसे कहते हैं, देवी कुमकुम को किस तरीके से यूज़ करना है, अभय सूत्र को किस तरीके से यूज़ करना है, देवी पेंडेंट को किस तरीके से यूज़ करना है, देवी वस्त्रम को किस तरीके से यूज़ करना है और अनेकों चीज़ें। देवी स्तुति एक दिन में कितनी बार करी जानी चाहिए, अचल अर्पणम का क्या मतलब होता है, देवी दंडम करना ज़रूरी है या नहीं है और देवी को किस तरीके से अप्रोच किया जाना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो जो लिंग भैरवी देवी से जुड़ना चाहते हैं या उनको देवी से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगी। और जो भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ ये सब मेरे एक्सपीरियंस से है और देवी से जुड़ने के लिए कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है। देवी से आप केवल भक्ति के माध्यम से जुड़ सकते हैं, आपका कमिटमेंट होना चाहिए। वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि किस तरीके से मैं भी जुड़ पाया था। और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं चलना है कि अगर मैं देवी की साधना करूँगा तो देवी मेरे जीवन से सारे दुख गायब कर देगी, क्योंकि आपके सोच के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि इस समय पर जो चीज़ें आपके जीवन में घटित नहीं हो रही हैं आपके अकॉर्डिंग, तो आपके लिए दुख है। वो तो आपका सोचने का तरीका ही गलत है, इसीलिए वो चीज़ें जो आप सोच रहे हो आपके लिए प्रॉब्लम है, वो उनका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिंग भैरवी देवी साधना से हम क्या समझते हैं। देखो, लिंग भैरवी देवी साधना में जनरली तीन चीज़ आती हैं, जिसमें पहला है देवी आरती, दूसरा अचल अर्पणम और तीसरा लिंग भैरवी देवी स्तुति, या फिर जिसे हम भैरवी स्तुति भी बोलते हैं। इस वीडियो में मैं ज़्यादा टेक्निकली नहीं जाऊँगा, क्योंकि देवी के सामने मेरी कोई क्षमता नहीं है कि मैं उनकी टेक्निकलिटी में जाऊँ कि देवी में 3.5 चक्र है और देवी को ये नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं, बस देवी आपकी क्वालिटीज़ को जो आप करना चाहते हैं उसको एनहेंस कर देगी अगर आप देवी से जुड़ोगे। इतनी मेरी औकात नहीं है, मेरी क्षमता में नहीं है देवी के बारे में कुछ बोलना। तो मेरी कोई औकात नहीं है यहाँ पर टेक्निकलिटी समझाने की। जो बात सद्गुरु करते हैं सद्गुरु ही कर सकते हैं, मेरी क्षमता में नहीं है। बट मेरी क्षमता में जो है कि किस प्रकार से मैं उनसे जुड़ा और आप भी किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लिंग भैरवी देवी आरती आप यूट्यूब से सीख सकते हो और लिंग भैरवी देवी के लिए जो वेबसाइट है lingbhairavi.org, वहाँ पर जाके भी आप देवी आरती करना सीख सकते हो। दूसरा मैंने कहा अचल अर्पणम, वैसे तो अचल अर्पणम का एक और मतलब है कि आप इस तरीके से बैठ जाओ, अचल अनमूविंग है, हाथ इस तरीके से रख के ऐसे बैठ जाओ और देवी की फ़ोटो को देखते रहो, ये अचल अर्पणम है। ठीक है, बिल्कुल आप हिल नहीं रहे हो, पर अचल अर्पणम में लम वम चैंट को प्ले किया जाता है पीछे से ताकि आप देवी से कनेक्ट हो सको। ओके, तो लम वम चैंट को केवल चलाना है, आपने चैंट नहीं करना है। ध्यान रखना कि ये जो इस तरीके के शब्द होते हैं या मंत्र होते हैं लम वम, इस तरीके ये जो शब्द हैं इनको हमने उच्चारण नहीं करना है। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखना, क्योंकि YouTube पे इतने इररिस्पॉन्सिबल लोग आ चुके हैं जो आपके चक्रास को एक्टिवेट करने की बात कर रहे हैं और सातों चक्रों के जो बीज मंत्र हैं उसको चैंट करवा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। तो जिस समय पर आप अचल अर्पणम करोगे आपने बोलना ही कुछ नहीं है, जस्ट देवी की फ़ोटो को देखना है और वो साउंड चलते रहने देना है। जो ये अचल अर्पणम है ये 11 मिनट का भी है, 21 मिनट का भी है, आपको जो सूट करता हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब बात आती है लिंग भैरवी देवी स्तुति की। लिंग भैरवी देवी स्तुति, देवी से जुड़ने के लिए एक चैंट है जिसमें देवी के 33 जो नाम है उनको चैंट किया जाता है एक पर्टिकुलर तरीके से। तो अगर हम इसे सद्गुरु की आवाज़ में सुने तो ये लगभग 6 मिनट की देवी स्तुति होती है और जिस तरीके से सद्गुरु चैंट कर रहे हैं हमें भी उसी तरीके से चैंट करना होता है। अगर हम उस तरीके से चैंट नहीं करेंगे तो देवी से हम जितनी जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं वो मिस कर जाएंगे हम, इस चीज़ को ध्यान रखना। आज से पहले
जो बड़े बड़े महर्षि थे उन्होंने जो मंत्र दिए थे वो हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस तरीके से चैंट किया जाना चाहिए। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि जिस तरीके से, जिस स्पीड से सदगुरु चैंट कर रहे हैं, हम उसी स्पीड से चैंट करें। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि भैया मैं स्पीड बढ़ा के चैंट कर सकता हूँ, मैं 11 स्तुति करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा के कर सकता हूँ। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कितनी देवी स्तुति आप करते हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कैसे करते हो इससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि देवी से जुड़ने के लिए हमें, हमारे अंदर भक्ति होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। क्योंकि मैंने कहा ना कि हम टेक्निकलिटी में नहीं घुसेंगे, हमारी क्षमता में नहीं है, बस आपने देवी से जुड़ने के लिए आपके अंदर सरेंडर का भाव होना चाहिए। अगर तुम ये सोचोगे कि हम एकॉम्प्लिश करते हैं कुछ, मैं 11-11 देवी स्तुति करूँगा लेकिन जल्दी करूँगा, जितना टाइम आपके पास है उसके अंदर बड़े प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से चीज़ों को करने की कोशिश करना है। ज़्यादा करके कुछ नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ज़्यादा करके कुछ नहीं होगा, जितना कर रहे हो उसके अंदर भाव होना चाहिए, क्योंकि हम देवी से जुड़ने के लिए भक्ति भक्ति चाहिए। भक्ति जो मार्ग है उसमें हमारा डिसोल्यूशन बहुत आसानी से होगा। ठीक है, देवी से जुड़ने के लिए भक्ति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दीबाजी नहीं करनी, अकॉम्प्लिशमेंट नहीं करना है वहाँ पर, इस चीज़ को ध्यान रखना। सदगुरु कहते हैं इट डज़ नॉट मैटर व्हाट यू डू, हाउ यू डू इज़ व्हाट मैटर्स। अब यहीं से मैं एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा कि जब हम देवी स्तुति करते हैं, चैंट करते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता होगा, मेरे साथ होता है, जब हम चैंट करते हैं तो हाथ इस तरीके से खुले रखने होते हैं, देवी की फ़ोटो को देखना होता है। तो अगर आपको देवी स्तुति याद नहीं है तो फिलहाल के लिए आप देवी स्तुति को कहीं पर लिख सकते हो और ऐसे पढ़ के चैंट कर सकते हो, लेकिन थोड़े समय के बाद जब वो आपको याद हो जाएगी तो आपने क्या करना है, हाथों को इस तरीके से खुला रख के देवी की फ़ोटो को देखकर चैंट करना है। परंतु अगर देवी स्तुति चैंट करते हुए होता है क्या है, कभी कभी हमें नींद आने लगती है हमारी, या तो नींद आने लगेगी या हमारी आँखें बंद होने लगेंगी। क्यों हो रही है इसको बिल्कुल अभी साइड रख दो, इसकी टेक्निकलिटी में बिल्कुल भी नहीं जाना। ठीक है, अगर ये हो रहा है तो ये सब नॉर्मल है, मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। अगर मैं 3 देवी स्तुति जाके बैठ के सुन रहा हूँ आजकल तो मुझे नींद आ जा रही है बहुत गहरी, तो ये नींद नहीं है, वैसे तो ये नींद है ही नहीं। जैसे हम जो हमारे साथ हो रहा है उस समय पर देखना कि आप अवेयर तो हो, आपको भले ही नींद आ रही है लेकिन वो नींद आपको लग रहा है कि नींद है बट वो नींद नहीं है, इसको बिल्कुल साइड रख देते हैं अभी। तो अगर आपकी आंखें बंद हो रही हैं तो क्या करो, पहले तो मैं ये कोशिश करना कि आंखें खोल के रखना, अगर नहीं होती है, नहीं खुल रही आंखें, तो आंखें बंद करके हम चैंट कर सकते हैं। चीज़ को ध्यान रखना कि देवी से जुड़ने के लिए कोई स्पेसिफिक टेक्निक नहीं है, भक्ति भक्ति भाव का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भक्ति जितनी आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप करते रहो। मान लो कि जैसे मेरे साथ क्या होता है कि मैं अगर देवी स्तुति कभी चैंट करता हूँ तो मेरा मुंह अपने आप बंद हो जाता है, तो ऐसे में क्या किया जाए, आप देवी की फ़ोटो को देखते रहे और सदगुरु की आवाज़ में देवी स्तुति प्ले कर दे। तो ऐसे में क्या होगा कि मान लो कि आपका चैंट करते करते मुंह बंद हो गया तो आपके बगल में तो वो साउंड चल रहा है ना। सदगुरु ने ये कहा है कि देवी स्तुति में जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी इंपॉर्टेंस है, या तो आप उसे सुन भी सकते हो या आप चैंट भी कर सकते हो, सुन भी सकते हो और चैंट भी कर सकते हो। तो अगर आपका मुंह बंद हो रहा है चैंट करते करते तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं हो रहा है, आप सदगुरु की आवाज़ में उस चैंट को सुने। और अगर हम आज की डेट में भी सदगुरु की वॉइस सपोर्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा है उसका। तो आप उनकी आवाज़ में चैंट को सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत करो, आपसे हो रहा है तो बिल्कुल करो, परंतु अगर आपसे नहीं हो रहा है तो उनकी आवाज़ में वो चैंट चला दो। और ये देवी स्तुति जो है हम दिन भर भी सुन सकते हैं, मैंने ऐसा सुना है, बट दिन भर तो खैर कोई नहीं सुनता है, बट आपको लगता है कि आप चला के रख सकते हो तो चला के रख लेना। एक दिन में कितनी देवी स्तुति करी जानी चाहिए, वैसे तो लिखा है साइट में कि आप 1, 3, 6, 9, 11 साइकिल्स भी कर सकते हैं, परंतु मैंने देखा है कि जब मैंने एक दो बार ट्राई किया है 11 देवी स्तुति करने की,
तो मेरे यहाँ यहाँ पे दर्द होने लग जाता था। तो मैंने कभी नहीं करा इतना, मैक्सिमम जो मैंने करी है मैं 6 ही करता हूँ, और जनरली मैं चैंट नहीं कर पाता हूँ, मैं सदगुरु की आवाज़ में देवी स्तुति प्ले कर देता हूँ, और मैं वहाँ वहाँ बैठ के देवी के पास बैठ के मैं चैंट केवल सुनता हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग 11 देवी स्तुति करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 11 देवी स्तुति की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ही कम लोग रेडी होंगे, तो ज़्यादा मत करो, जितने प्रेम भाव से आप करोगे देवी से आप जुड़ पाओगे। बस हमें कुछ एकॉम्प्लिश नहीं करना है, हमें उनसे जुड़ना है, इतनी सी बात है केवल। हाँ, परंतु अगर आप कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो कृपया करें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैंने बस जो अपना एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर किया है। कुछ चीज़ें और भी बता देता हूँ कि जब आप देवी साधना करने लगते हो, मतलब मेरे साथ क्या होता था, कभी कभी नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, या सपने जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं, एक ही रात में पता नहीं कितने 8-10 सपने आने लगे। तो ऐसे मैंने और भी लोगों के एक्सपीरियंस सुने हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं फिर से बोलूँगा, मैं चीज़ों की टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूँ, बट हाँ, अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते में जा रहे हो। ध्यान रखना कि आप देवी साधना कभी ना छोड़ें। देवी साधना करने के लिए कोई एम्प्टी स्टोमक इन सब चीज़ की ज़रूरत होती नहीं है। हाँ, देवी दंडम, अगर आपको देवी दंडम करना है तो देवी दंडम में हमें लेटना पड़ता है। तो देवी दंडम करते आपने बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने खाना खाया है तो उसके 2.5 घंटे के बाद आप देवी दंडम कर सकते हो। अब लोग ये भी पूछते हैं कि देवी दंडम करना ज़रूरी है क्या। मैं अपना बस आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जब हम देवी दंडम करते हैं ना, तो देवी दंडम हमारे अंदर से कुछ चीज़ को तोड़ रहा है, आप ये खुद करके देख लेना। इसीलिए सदगुरु ने देवी दंडम हमको करने के लिए बोला है। अगर आपको बहुत ही बेसिक साधना करनी है, बहुत ही बेसिक, मैं भी केवल यही करता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो देवी दंडम और देवी स्तुति, देवी दंडम और देवी स्तुति। तो देवी दंडम पहले किया जाता है, फिर देवी स्तुति करी जाती है, फिर वापस आके आप देवी दंडम करते हो, फिर देवी स्तुति करते हो, फिर वापस आके देवी दंडम करते हो, फिर देवी स्तुति करते हो। इस तरीके से किया जाता है। इसको बोझ समझ के मत करना, ये मत समझना कि मैं बस एक ही देवी दंडम करूंगा तो चलेगा। बिल्कुल चलेगा, परंतु देवी दंडम का अपना महत्व है। तो आप अगर फायदा लेना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इसको मिस ना करें, ठीक है। कितना टाइम लगता है देवी दंडम करने में? 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो कृपया करके इसे बोझ ना समझें। हर देवी स्तुति से पहले एक देवी दंडम करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। तो आप देखेंगे कि उसका इफेक्ट कुछ अलग ही है। वो देवी दंडम हमारे अंदर से कुछ चीज़ को तोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए है। आप 1 महीना करके देखना और फिर मुझे बताना कि हाँ, देवी दंडम से क्या फ़ायदा होता है। अब ये बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग ये तीनों चीज़ कर रहे हैं, देवी आरती, देवी स्तुति और अचल अर्पणम, तो इनको किस तरीके से किया जाना चाहिए। थोड़े समय पहले मुझसे किसी ने मुझे मैसेज करके ये बताया था कि उन्होंने मेल किया था ईशा में, तो ईशा से उनको रिप्लाई आया था कि पहले देवी आरती, फिर देवी स्तुति और फिर आखिरी में अचल अर्पणम। तो आप ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम देवी का जो स्पेस है उसको किस तरीके से सजाएं। आपके पास अगर देवी की फ़ोटो नहीं है तो देवी की फ़ोटो आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं और उसको अच्छे से फ्रेम करवा लेना। जो भी फ़ोटो से आप ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, आप वाली फ़ोटो प्रिंट आउट करवा लेना। ब्लैक कलर में है, रेड कलर में है, और बाकी येलो कलर में भी है, और एक जिसमें देवी पे चंदन लगाई जाती है, ये वाली फ़ोटोज़ भी अवेलेबल है। तो आप जिससे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, जैसे मेरे को ब्लैक वाली फ़ोटो से बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होता है, तो अगर मैं कभी फ़ोटो रखता हूँ तो मैं वो वाली फ़ोटो ही रखता हूँ अपने पास। मेरे पास देवी गुड़ी है, देवी को श्याम सुंदरी भी बोला जाता है। जब हम देवी की फ़ोटो को देवी वस्त्रम के ऊपर रखते हैं, तो देवी वस्त्रम में, देवी वस्त्रम ट्रायंगल के फॉर्म में आता है, तो वो ट्रायंगल जो ऐसे ट्रायंगल का ये वाला जो वर्टेक्स है, ये आपकी तरफ होना चाहिए जब आप देवी की फ़ोटो को उसके ऊपर रखते हो। तो देवी के पास, फ़ोटो के पास हम दिया जलाते हैं, आप फ्लावर वगैरह जो भी चढ़ाना चाहते हो वो चढ़ाते हो, और उसके बाद आके आप अपनी साधना कर सकते हो, ठीक है। ये तरीका है, आप जितनी प्यार से सजाना चाहते हो वो आपके ऊपर है। और मैं कई वीडियो से बोल चुका हूँ कि देवी को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है और उनको गुलाब के फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और मैंने ये बोला कि देवी के सामने अपना लॉजिक बिल्कुल ऐसे साइड रख देना, क्योंकि
हमारे लॉजिक की कोई औकात ही नहीं है। जिस इंटेलिजेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इंटेलिजेंस हमारे लॉजिक से कई कई दूर है, कई पता नहीं कहाँ है, हमको नहीं पता। अपना लॉजिक बिल्कुल साइड रख देना, देवी को अपने लॉजिक में तोलने की कोशिश भी मत करना, कोशिश भी मत करना। और जो बात सदगुरु बोलते हैं कि देवी में 3.5 चक्र है, हमारी क्षमता में ही नहीं है कि हमें ये नहीं पता कि एक चक्र का मतलब क्या होता है। तो आप देवी के बारे में कुछ बोलने से पहले ना बचना, उनके बारे में कुछ मत बोलो। हाँ, जितनी आपके एक्सपीरियंस में केवल वो बात बोलो, वो आप बोल सकते हो, परंतु ये बोलना कि उनमें केवल 3.5 चक्र ही है और ध्यान लिंगम में 7 चक्र है, तो ये सब चीज़ें हमारे हमारे बस के बाहर की हैं, तो इनको बिल्कुल साइड रख दो। अब और क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे हम देवी की एनर्जी के प्रति रिसेप्टिव हों? तो देवी कुमकुम, ये आपको साइट पे मिल जाएगा, ishalife.com पे देवी कुमकुम के माध्यम से आप देवी से जुड़ सकते हो। और लिंग भैरवी देवी पेंडेंट कॉपर का भी आता है, सिल्वर का भी आता है, गोल्ड में भी आता है, जो आपकी क्षमता हो उसके अनुसार आप देवी पेंडेंट पहन सकते हैं। देवी पेंडेंट के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो जाके भी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और पेंडेंट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। पेंडेंट के पीछे जो यंत्र बना है वो यंत्र डैमेज नहीं होना चाहिए, बस। देवी पेंडेंट को देवी पेंडेंट रूप में ही पहनना है, जो लाल कलर की है, ishalife.com के आपको मिल जाएगी। और फिर अब बात करते हैं अभय सूत्र की। अभय सूत्र के अपने बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं, मैं ये आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो इस जगह पे पर्टिकुलर इसी जगह पर हम अभय सूत्र क्यों पहनते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं हमारे शरीर पे जहाँ पर हो सकता है कि हमें बाहरी चीज़ें अफेक्ट कर सकते हैं। हम एक पर्टिकुलर जगह पर ही ये बांध रहे हैं। हम ये जो अभय सूत्र है या कलावा है, हमने यहाँ ही क्यों बांधा, हम ऊपर क्यों नहीं बांधते, इस चीज़ के बारे में ज़रा सोचना कि यही जगह क्यों बनाई होगी। तो इसके पीछे एक पर्टिकुलर रीज़न है। और अभय सूत्र को हम मिनिमम 48 डेज तक पहनते हैं और फिर मैक्सिमम आप 3 महीने तक पहन सकते हो। उसके बाद आपने इसको काटना नहीं है, या तो जलाओ, जला के खोलो, फिर इसकी गांठ खोल देना जो आपने बांधी होगी, और फिर हम इसको जला सकते हैं, या फिर किसी ऐसे पेड़ पे जिसमें फूल पत्तियां फल ये सब आए हुए हैं वहाँ पे बांध सकते हैं, या बहते हुए पानी में छोड़ सकते हैं, या फिर गीली मिट्टी के अंदर गाड़ सकते हैं। मतलब जिस पेड़ पे मान लो कि फल पत्ते बहुत अच्छे हैं, उस पेड़ की जड़ में आप इसको गाड़ सकते हो। भैरवी रक्षा, उसके ऊपर मैं पिछली वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब मैं देवी पेंडेंट के बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ कि हमारे अंदर ना बहुत सारी चीज़ें बचपन से बैठी हुई हैं कि देवी पेंडेंट टॉयलेट में जाके नहीं पहन सकते। भाई ये 2400 घंटे पहना जा सकता है, 2400 घंटे पहना जा सकता है। बट मैं अब एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि अगर आप भैरवी देवी साधना करना स्टार्ट कर रहे हो तो ये मेरे एक्सपीरियंस से और मेरे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं उनके एक्सपीरियंस से, और एक मेरे भाई जी हैं जिनके पास देवी यंत्र है, उन्होंने मुझे ये बात बताई है कि देवी को नॉन वेज और अल्कोहल, इन दो चीज़ों से, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अगर तो आप देवी साधना करना स्टार्ट कर रहे हो तो कोशिश ये करना कि ये चीज़ें आप कंज्यूम करना छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके साथ गलत होगा, पर अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हो तो ऐसी चीज़ें कंज्यूम ना करो जो उनको पसंद ना हो। देवी साधना मेंस्ट्रुएशन में भी करी जा सकती है, और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि हम जो देवी साधना कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने बंधनों को तोड़ सकें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब हो जाएगी। तो मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता कि जब मैं देवी की साधना कर सकता था और मैंने नहीं करी। मेंस्ट्रुएशन हो गया, मासिक धर्म लग गए, तो क्या हो गया? ये चीज़ अपने दिमाग से हटा देना। देवी इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है, बहुत बहुत ऊपर है। देवी की साधना का मेंस्ट्रुएशन से कोई भी रुकावट नहीं आने वाली है। लिंग भैरवी देवी के मंदिर में जो टेक केयर करती हैं वो लेडीज ही हैं, भैरागनी माँ होती हैं। तो इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ आप।
और देवी सेवा में लोग 21 दिन की देवी सेवा होती है। तो सोचो कि अगर कोई लेडी वहाँ पर सेवा करने के लिए गई और मान लो उसे उन दिनों मेंस्ट्रुअल साइकिल लग गए, तो मुझे नहीं लगता कि उनको मना किया जाता होगा। ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से हटा दो। सद्गुरु ने एक वीडियो में ऑलरेडी बोला हुआ है कि अपने दिमाग से ये सब चीज़ हटा दो, अपनी साधना करते रहो, क्योंकि आप अपनी साधना इस शरीर के अंदर जो आप फंसे हुए इससे बाहर निकलने के लिए कर रहे हो। इस चीज़ को अपने दिमाग में क्लियर रखना। और अगर कोई कहता है कि हमारे घर में डेथ हो गई है तो हमारे घर में पूजा पाठ नहीं होती है, मुझे आप एक चीज़ बताओ कि आपको पता है कि आपकी डेथ कब हो जाएगी? नहीं पता ना। तो जितनी साधना कर सकते हो, जिस दिन साधना कर सकते हो, उस दिन साधना करो। ये मत बोलना कि किसी की डेथ हो गई तो हमारे यहाँ साधना नहीं करी जाती है। करनी है, ये उनके उनसे मतलब नहीं है, इसका आपसे मतलब है। आपको अपनी मुक्ति चाहिए इसलिए आप साधना कर रहे हो। और अगर तो आप देवी साधना करोगे जब आपके घर में डेथ हुई होगी, तो ये उसके भी मदद आएगी जिसकी डेथ हुई है। किसी के लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि हम साधना क्यों करना चाहते हैं। ये क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, हम मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। हमने अपने लिए जो बंधन बनाए हुए, उन बंधनों से हम मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए हम साधना कर रहे हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप देवी साधना किसी भी समय कर सकते हो, दिन रात सुबह शाम किसी भी समय किया जा सकता है। एक भक्त अपने भगवान के पास कभी भी जा सकता है। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बोली कि आपकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, तो जिस समय साधना का मौका है वो मौका ना छोड़े, उस समय पर साधना कर लो, चाहे 12 बज रहे हो, चाहे 1, 2, 3, 4 कितने भी बज रहे हो। ये चीज़ अपने अंदर बड़ी क्लियरली बिठा लेना कि यस वी कैन डाई एनी मोमेंट। तो अगर आपके मन में ख्याल आया कि मैं साधना करूं, तो कर दो। और देवी साधना में ऐसी कोई, मैंने हर टाइम पे करी है, हर टाइम, और अधिकतर मैं रात के समय ही बैठता था, अभी बैठता हूँ। दिन की शुरुआत भी देवी साधना से ही होती है और रात्रि की जो समाप्ति होती है वो भी देवी के पास बैठ के ही होती है। और लास्ट में एक चीज़ और, जनरली लोग देवी साधना करते हैं और करने के बाद कहते हैं कि मैं 3 महीने से देवी साधना कर रहा हूँ, बट मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें वैसी की वैसी हैं, देवी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही है। जिस तरीके से आप सोच रहे हो कि चीज़ें काम करें, उस तरीके से चीज़ें काम करती नहीं है। आपने अपने जीवन में जो कर्म करे थे, उन कर्मों का फल तो आपको ही भोगना पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो होकर ही आएगा। परंतु अगर आप साधना कर रहे हो तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ बनी रहेगी और ये स्ट्रेंथ आपको गिरने नहीं देगी नीचे कभी। तो अपने दिमाग से ये चीज़ हटा दो कि अगर आप देवी साधना करने लगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली ही खुशहाली होगी। ये बात की अश्योरिटी है कि अगर आप साधना कर रहे हो, सिचुएशन कैसी भी आए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये साधना आपको इतना मजबूत बना देगी, बस इतनी सी बात ध्यान रखना। और अगर आपकी ज़िंदगी में आप कुछ करना चाहते हो, अगर वो हो नहीं रहा है, तो केवल और केवल आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। ये मत कहना कि मैं 3 महीने से या 6 महीने से देवी साधना कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में कोई अंतर नहीं आया है, देवी मेरी मदद नहीं कर रही है। अगर तो सही में आपको कुछ एक्सपीरियंस ना हो रहा होता, तो क्या आप 6 महीने तक ये साधना कंटिन्यू कर पाते? और मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ, 2-2.5 साल तक तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि हो क्या रहा है ये। मैं दिन भर, मतलब मैं बहुत ज़्यादा टाइम देवी के साथ स्पेंड करता था, लेकिन मुझको जो देवी की प्रेजेंस मिली है, या जो भी मैं बोलूँ, वो लगभग दो साल के बाद मुझे फील हुआ है कि हाँ, जो मैं सुनता था लोगों से, अब वो मुझे फील होने लगा था। दो साल। और आपको मतलब मैं कैसे बताऊँ कि मैं 3-3 घंटे भी देवी के पास बैठा हूँ, 3-3 घंटे अनमूविंग उसी जगह पर बैठा हूँ। मैं योगासनास में करता था, हठ योगा की प्रैक्टिसेस करता था, तो उनकी वजह से मेरी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी थी। तो आप मेरी इस चीज़ को ध्यान, मेरी इस चीज़ को समझना कि देवी से जुड़ना इम्पॉर्टेंट है। जब आप जुड़ जाओगे तो चीज़ें होने लगेंगी, बट ये मत सोचना जैसे आप सोचते हो उसी तरीके से हो, तो फिर आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हो। इस गलत फहमी के साथ मत जीना। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये मान रहे हो कि देवी आपसे बड़ी है, तो अगर देवी आपसे बड़ी है तो देवी को पता है कि किस तरीके से क्या होना चाहिए। आप उनके पास जाके मांगो मत, उनके पास जाके कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, शी नोज़ एवरीथिंग, ठीक है। हाँ, पर जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, अपनी माता पिता से कुछ चीज़ें मांगने का हमारा अधिकार है। आप ये बिल्कुल ये अधिकार आपका है, और आप कनेक्शन बनाए और मांगे। देवी हमको चीज़ें प्रदान भी करती हैं,
देवी भक्त रक्षिणी भी हैं, तो आप किस तरीके से अप्रोच करना चाहते हो वो टोटली आपके ऊपर है। मेरी अप्रोच थोड़ी अलग है, ये मैं उन लोगों में से हूँ जो अपनी साधना को लेके थोड़ा सीरियस है, तो मैं अपनी हर वीडियो में इस तरीके की बातें कर देता हूँ कि अल्टीमेटली आपको मुक्ति की अवस्था तक जाना है। तो चाहे घर में मृत्यु हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको साधना करनी है, इतनी क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। ये मेरे कहने का मतलब केवल इतना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी कब आ जाएगी। तो उससे पहले मैं जितना होमवर्क कर सकता हूँ वो सब कुछ करूँगा। हर दिन जिस दिन मैं सुबह सो के उठ गया उस दिन देवी स्तुति देवी साधना करनी ही है। अगर आप देवी से जुड़ना चाहते हैं तो देवी को अपने जीवन में प्रायोरिटी देना, सबसे पहले देवी साधना होनी चाहिए। कई लोग ये पूछते हैं कि भूत शुद्धि पहले करूं या देवी स्तुति। भाई एक भक्त के लिए उसके भगवान से बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती, और देवी जब मुक्तिदायिनी है, मैं भूत शुद्धि मैं भी करता हूँ, लेकिन जब देवी मुक्तिदायिनी है तो हम भूत शुद्धि को सेकंड नंबर पे भी रख सकते हैं, क्योंकि वही तो देवी, तो वो फोर्स है जिसकी वजह से दुनिया में, इस ब्रह्मांड में मोशन है। तो अगर आप उनसे कनेक्ट हो गए तो भूत शुद्धि भी हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भूत शुद्धि मत करो, हाँ जब अगर आप केवल देवी के साथ ही कॉन्टैक्ट में रहोगे, एज अ देवी साधक बनोगे ना, तो चीज़ें हो जाएंगी, इतने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अनवेवरिंग अटेंशन रहो, अपनी साधना करते रहो, और आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि कई लोग जिन्होंने केवल देवी साधना करी थी उनके लाइफ में मिरेकल्स होने लगे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी की सारी साधनाएं करो, देवी को प्रायोरिटी देना। जब खाना बनाओ तो देवी के लिए भोग लगाओ। मैं क्या करता हूँ कि मैं जब भी रोटी मैं बनाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं देवी के लिए एक अपनी तरफ से जितनी प्यारी रोटी हो सकती है वो मैं देवी के लिए बनाता हूँ, और हमेशा मैं उनको पहले नंबर पे रखना चाहता हूँ और उनके लिए ही मैं पहली रोटी बनाता हूँ। तो आप लोग भी अपने हिसाब से जिस भी तरीके से आप उनको प्रायोरिटी दे सकें उनको प्रायोरिटी देना, और अपना इंटेलेक्ट बीच में मत लाना कि चीज़ें काम नहीं कर रही है, होंगी। जो छोटे बच्चे हैं उनको और फीमेल्स को बहुत जल्दी प्रेजेंस मिलती है। कुछ जो इंटेलेक्चुअल लोग होंगे शायद उनको टाइम लगेगा, बट चीज़ें होंगी, आपको अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। और ये अपने दिमाग में कभी ना लाना कि देवी बस हमारी कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करती है, ना ना, वो बहुत हाई इंटेलिजेंस है, उनको जज करने की कोशिश मत करना। आई होप कि इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई वो मेरे एक्सपीरियंस पर थी, और अगेन मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जिस समय पर मैं स्ट्रगल कर रहा था देवी जुड़ने के लिए, मेरे को हर जगह से केवल एक ही बात सुनाई देती थी कि देवी के कोई ऐसा अलग से कोई स्पेशल मेथड नहीं उनसे कनेक्ट होने के लिए, बस एक ही चीज़ चाहिए, सरेंडर। और सरेंडर करने के लिए देवी दंडम बहुत पावरफुल चीज़ है। देवी दंडम करते रहो, केवल देवी दंडम ही करो। एक बार मुझको याद है कि मैं 40 मिनट तक केवल देवी दंडम में ही था। तो ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने आप ही सरेंडर होने लगेगा। आप देवी दंडम के साथ ही देवी स्तुति करना, चाहे एक ही देवी स्तुति करो पर सबसे पहले वही होनी चाहिए। देवी साधना मिस मत करना, हर दिन देवी साधना करते रहो। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। और अगर आप वीडियो देखते हो, वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक और नीचे एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो, ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। नमस्कारम, धन्यवाद।